सीधे राजघाट का रुख करेंगे जहां पर कांग्रेस का धरना चल रहा है। तो नागरिकता कानून को लेकर, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर यह विरोध कांग्रेस की ओर से, और आप देख रहे हैं राजघाट की सीधी तस्वीरें हैं। और जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, राहुल गांधी पहुंचे हैं, सोनिया गांधी पहुंचे हैं, मनमोहन सिंह पहुंचे हैं, तमाम बड़े नेता कांग्रेस के यहां पर पहुंचे हैं। प्रियंका गांधी भी बैठी हुई है, पीछे आप देख पाएंगे कि वो भी बैठी हुई है वहां पर। यह धरना कांग्रेस की ओर से दिया जा रहा है, जिस तरीके से नागरिकता संशोधन कानून, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर देश भर में अलग अलग विरोध की खबरें आई, तस्वीरें सामने आई। इसी बीच कांग्रेस ने आज ये बड़ा धरना राजघाट पर बुलाया था। इससे पहले ट्विटर के जरिए लोगों से भी ये अपील की थी कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप पहुंचिए और हमारे इस धरने में, हमारे साथ में शामिल होइए। और आपको बता दें कि आज ये धरना राजघाट पर किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, ये धरना जिसमें तस्वीरें आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि वहां पर मनमोहन सिंह भी पहुंच चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री सोनिया गांधी पहुंची हैं, राहुल गांधी पहुंचे हैं, पीछे प्रियंका गांधी भी पहुंची हैं, बैठी हुई हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं राजघाट से। इनपुट एडिटर सुजीत जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं हमारे। सुजीत जी, कैसे देखते हैं इस तस्वीर को आप? तमाम कांग्रेस के बड़े चेहरे इस विरोध में शामिल हुए हैं। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से कह रही है कि ये सीए के खिलाफ जो है सत्याग्रह एक तरह का शुरू किया है, और सत्याग्रह की शुरुआत उन्होंने राजघाट पर जो है एक धरने के माध्यम से किया है। और इस धरने में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस की जो अंतरिम अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी वहां पर बैठी हुई हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वहां बैठे हुए हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बैठे हैं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बैठी हैं। तो कह सकते हैं कांग्रेस के जो गांधी परिवार के आला नेता हैं वो सभी इस वक्त राजघाट पर मौजूद हैं। और इनके अलावा आप देखेंगे कि जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी वहां पर आए हुए हैं। और इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, चाहे अहमद पटेल हों, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हों, सभी बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं। कांग्रेस के कई पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं, कई पूर्व कैबिनेट मंत्री वहां पर मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी और मनमोहन सिंह तीनों ने जो संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है उसमें ये पढ़ने की कोशिश की, हम भारत को लोग एकता को समर्पित, कहीं ना कहीं जो संविधान की मूल भावना है या जो संविधान में लिखा गया है उसको तीनों नेताओं ने वहां पर पढ़कर बताने की कोशिश की है कि जो भारत का संविधान है वही सर्वोपरि है और उसी के अनुसार ही जो है चाहे नियम बने चाहे कानून बने वो बनना चाहिए। लेकिन अभी खास तौर से जो सीए के विरोध में धरना है उस पर जो है उन्होंने खुलकर जो एक बोलना चाहिए था वो बयान अभी तक राजघाट पर जो सत्याग्रह चल रहा है उसमें नहीं आया। हालांकि सब लोग वहां बैठकर सीएए के विरोध कर रहे हैं और सीएए के विरोध में ही वहां पर बैठे हुए हैं। और ये एक संदेश देने की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी जो मौजूदा बीजेपी सरकार है या मोदी सरकार है केंद्र में, वो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो बना है उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं और उसके विरोध में हैं, वो एक प्रदर्शित कर रहे हैं। अभी तक कांग्रेस अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होती रही है, कांग्रेस के नेता शामिल होते रहे, लेकिन पहली बार कह सकते हैं कि कांग्रेस के मंच पर एक बड़ा कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया गया है जिसमें जो है कांग्रेस के सभी शीर्ष नेता मौजूद हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये धरना जो है वो सत्याग्रह है सीए के विरोध में।
बिल्कुल, और अभी तक खुला समर्थन करते रहे हैं तमाम दलों को, चाहे वो हमने बिहार बंद में देखा हो या बाकी जगहों पर, लेकिन अब सीधे तौर पर कांग्रेस सामने आ चुकी है। और जो हम मंच देख रहे हैं, एक चीज और हम मंच पर देख पा रहे हैं सुजीत जी, कि प्रियंका गांधी यूं तो ट्विटर पर मुखर रही हैं, ट्विटर पर सामने रहकर प्रधानमंत्री को घेरती रही हैं, सरकार को घेरती रही हैं, लेकिन मंच पर वो पीछे बैठी हुई हैं, अपना विरोध दर्ज करा रही हैं। देखिए, कह सकते हैं कि जब पार्टी का बड़ा कार्यक्रम कोई होता है और जिसमें पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व वहाँ पर मौजूद हों, तो उस समय पार्टी के नेताओं का एक वरिष्ठता क्रम भी होता है और एक पार्टी की रणनीति होती है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो पार्टी की रणनीति रही हो उसके अनुसार ही सिर्फ मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ही वहाँ जो संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गई है वो इन वरिष्ठ तीन नेताओं से ही प्रस्तावना पढ़ाई गई है। इसलिए आप देखेंगे जो कांग्रेस के और भी वरिष्ठ नेता हैं वो सब उस सत्याग्रह में शामिल हैं और वहाँ पर जो धरना चल रहा है सत्याग्रह के नाम पर उसमें बैठे हुए हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से झारखंड के नतीजे सामने आए हैं, आज का दिन कांग्रेस के लिए बड़ा हो जाता है। क्या मानते हैं आपके इस धरने को लेकर, अब और ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ गया है कि अब सरकार को और मजबूती से घेरना है, क्योंकि सफलता हासिल हो रही है कांग्रेस को कहीं ना कहीं, झारखंड के ये नतीजे बता रहे हैं। देखिए, झारखंड में जेएमएम के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था और वहाँ पर जो गठबंधन था उसमें आरजेडी भी शामिल थी, जेएमएम था और कांग्रेस थी। तीनों दलों के इस गठबंधन में जो नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी जो वहाँ पर सत्तारूढ़ थी वहाँ पर सत्ता से उनको बेदखल किया है और गठबंधन सत्ता पे काबिज हुआ है। तो इससे भी कांग्रेस में एक उत्साह, जोश है इस समय, और यही वजह है कि जो सत्याग्रह स्थल है वहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्थानीय कांग्रेस नेता हैं दिल्ली के, उनकी भी भारी संख्या में वहाँ पर जमावड़ा देखने को मिल रहा है। उनकी उपस्थिति से ये भी पता चलता है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो जो चुनाव में अपना दांव लगाने वाले हैं या चुनाव में अपने भाग्य आजमाने वाले नेता वो भी वहाँ पर मौजूद हैं और कार्यकर्ता भी वहाँ पर कांग्रेस के आए हुए हैं। तो कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जो झारखंड के नतीजे हैं वो कांग्रेस के नेता हों या कार्यकर्ता हों उससे उनमें उत्साह बढ़ा है और यही वजह है कि राजघाट पर जो कार्यक्रम है उसमें सभी कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर एक तरह की खुशी की भी लहर कह सकते हैं। और दूसरी तरफ जो सीए का विरोध है उसके विरोध में जो सत्याग्रह पर बैठे हैं वो भी प्रदर्शित हो रहा है। बिल्कुल, और ये विरोध इसलिए भी जरूरी कि जिस तरीके से बीजेपी का विजय रथ रुक रहा है, पांच बड़े राज्य बीजेपी ने इसी साल के अंदर गवा दिए हैं, ऐसे में ये विरोध कांग्रेस का और बड़ा हो जाता है। बिल्कुल, कह सकते हैं कि लोकसभा में देश की जनता ने बीजेपी को चुना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम की कुर्सी दी, लेकिन जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा है। और ख़ास तौर से अगर बड़े राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से अभी हाल ही में वहाँ पर बीजेपी सत्ता में थी उसका गठबंधन जीता था, लेकिन जो भी आपसी मनमुटाव की वजह से वहाँ पर कांग्रेस समर्थित सरकार बनी है तो वो कांग्रेस के पक्ष में गया। मध्य प्रदेश आपने देखा, राजस्थान आपने देखा, आप छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को जरूर ऊर्जा मिल रही है। और इसलिए अब आप देख रहे होंगे कि पिछले पाँच साल जो बीते 14 से 19 के दौरान, उस समय कांग्रेस या सोनिया गांधी की सक्रियता उतनी ज़्यादा नहीं थी, प्रियंका गांधी की भी सक्रियता उतनी नहीं थी, लेकिन अब 2019 में दोबारा मोदी सरकार बनने के बाद कांग्रेस ज़्यादा सक्रिय है। उसके पीछे यही वजह है कि जो राज्यों के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में गए हैं, कांग्रेस को लगता है कि अगर वो केंद्र में नहीं आए हैं तो वो उनका संघर्ष और वो इतना अपनी आवाज़ या जनता की आवाज़ उठाने का काम अगर करते रहेंगे तो कुछ नहीं, तो राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां उनकी वापसी संभव है। और उसी वापसी को देखते हुए वो लगातार 2019 में दोबारा बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुखालफत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सीएए के विरोध में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी आगे आई है
उसको लेकर आपने देखा होगा कि कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीए और एनआरसी को लेकर किस तरीके से स्पष्टीकरण दिया था, और आज उसके विरोध में इन लोगों का बैठना, ये बताता है कि जो उनकी मांग है कि सीए कानून को वापस लिया जाए, उसको विड्रॉ किया जाए, उस पर अड़े हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल काफ़ी कुछ समझाने और बताने की कोशिश की थी, इस लिहाज से कि जो इस पर विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, वो थम जाए। लेकिन अगर कांग्रेस खुलकर अगले दिन ही इसका विरोध करने सड़क पर उतर जाती है, और भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि के पास, तो उससे जो है संकेत साफ है कि कांग्रेस की जो मांग है कि इसको वापस लिया जाए, अगर वापस नहीं लिया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इसको लेकर आंदोलन करेगी, तो वो कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन बीजेपी भी, आपने देखा होगा कि अमित शाह जो बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, देश के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा था कि अब इस कानून को वापस नहीं लिया जा सकता, और इसके जवाब में, विरोध के जवाब में उन्होंने समर्थन में रैली निकालना शुरू कर दिया है, मार्च निकालना शुरू कर दिया है, सभाएं करना शुरू कर दिया, लोगों के बीच में जाके जो उसका पहलू है, सीए के जो पहलू हैं, प्रावधान है, उसको बताने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और कांग्रेस का आप देखिए कि अपना एक तरीका और भी है, हमने लेफ्ट का प्रदर्शन भी देखा था सुजीत जी, मंडी हाउस पर जिस तरीके से लाठी चार्ज तक करना पड़ा था, वहां से खदेड़ना पड़ा था समर्थकों को, लेकिन यहां पर अगर उससे उलट हम कांग्रेस की तस्वीर देखें, बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से राजघाट, उस राजघाट पर बैठे हैं जहां से कई बार ऐसे प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से किए गए हैं, बड़ी शांति से बैठे हैं, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई नारेबाजी नहीं है, अपना विरोध बड़ी शांति से दर्ज करा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि हम चुप नहीं हैं, हम इस बिल के विरोध में थे, हैं और आगे भी रहेंगे। देखिए, अभी आपने देखा होगा कि कई जगह पे प्रदर्शन हुए हैं सीए के विरोध में, और उसमें उस विरोध प्रदर्शन में हिंसक घटनाएं हुई, हिंसक घटनाओं में कई लोगों की जान भी गई है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, या अन्य जगहों पे जो हुए हैं वहाँ पर कई लोगों की जाने भी गई हैं, लाठी, पुलिस को लोगों को कंट्रोल में करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। दिल्ली में ही जो प्रदर्शन हुए, आपने देखा होगा कि आगजनी की घटनाएं हुई हैं, बसें फूंक दी हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी होने हो है, और उसको इस बात का संदेह है कि अगर बड़ा विरोध प्रदर्शन अगर कोई होता है तो उसमें इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है और कुछ भी घटना कई बार घट सकती है। यही वजह है कि उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से धरना देकर विरोध जताने का जो उनका फैसला है, या जो जिस तरीके से वो विरोध जता रहे हैं, इसमें उस तरह की घटना होने की संभावना नहीं है। अगर सोनिया गांधी के कार्यक्रम में किसी तरीके की हिंसा या उस तरह की अप्रिय घटना होती है तो वो कांग्रेस पार्टी के लिए भी ठीक नहीं है, और पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर हैं उनके लिए भी ठीक नहीं, इसलिए उन्होंने सत्याग्रह का ही रास्ता चुना है। पर एक साथ पूरा कांग्रेस विरोध दर्ज करा रहा है, 5 ऐसे राज्य थे या कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने, जहां पर कांग्रेस का शासन है, वो ये कहते थे कि हम अपने राज्य में सीए को लागू नहीं करेंगे, और वो अब इस जो है धरना है इसमें भी दिख रहा है, बहुत संक्षिप्त में इसका जवाब चाहेंगे सुजीत जी। देखिए, बिल्कुल, अभी भी जो है कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं वो यही बात दोहरा रहे हैं कि वो अपने राज्य में सीए हो, सीए कानून बन चुका है, वो उस कानून को अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे, अगर एनआरसी भी आएगा तो उसका भी वो विरोध करेंगे, उसे लागू नहीं करेंगे। इसका मैसेज साफ है कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आएगी, कभी जब केंद्र में आएगी, तो हो सकता है जो अभी वो वापस लेने की मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार उसको वापस ले, अगर वो वापस नहीं लेते हैं तो कांग्रेस कभी सत्ता में आएगी तो हो सकता है उसको वापस करें। क्यों? क्योंकि जिन राज्यों में उनकी सरकार है वो कह रहे हैं हम वहाँ पर लागू नहीं करेंगे, तो इसका अर्थ साफ है कि कांग्रेस पार्टी और जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ पर लागू ना करने का फैसला ये दिखाता है कि वो इसके सख्त खिलाफ हैं, इसलिए किसी भी हाल में वो अपने राज्य में लागू करने के पक्ष में नहीं है। जी,
बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ये धरना कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है, सत्याग्रह इसको कहा गया है। सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस विरोध करती रही है, तमाम प्रदर्शनों को अपना खुला समर्थन देती रही है, लेकिन अब राजघाट पर समूचा कांग्रेस एक साथ बैठा हुआ है, पूरी कांग्रेस। और कई ऐसे राज्य भी थे जहां पर कांग्रेस का शासन है, उन्होंने कहा था कि हम अपने राज्य में सीएए को लागू नहीं करेंगे, और उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां पर नजर आ रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि मंच पर आपको सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह और प्रियंका गांधी भी नजर आएंगी, लेकिन प्रियंका गांधी थोड़ा सा पीछे बैठी हुई हैं। आज कांग्रेस के लिए वाकई बड़ा दिन, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड के नतीजे सामने आए, और दूसरा